नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम का, जो आज की डेट में एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 25/10/2018, 25 अक्टूबर 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर, ये नाड़ी नहीं होगा, ये नाड़ी होगा, आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। तो आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है 80 से 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार चले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो एक बार चले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को कहा जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजस भक्त या जय होटी के नाम से जाना जाता है? तो चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जीजस भक्त या जय होटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाल बोधनी, जो कि 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय भी जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी ये किस उत्तर प्रदेश से किस जिले से संबंधित है, ये पूछा गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? क्यात, नायरा, रियल, क्लोन। तो म्यांमार की मुद्रा है नायरा, आंसर हो जाएगा बी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन, सोमालिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में कनाडा देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र से सबसे अधिक है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीमा चेरी कुन्नी रवण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो चीमा चेरी कुन्नी रवण नायर ये किससे संबंधित हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खाद्य और कृषि संगठन कॉरपोरेट शासकीय डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन पूछा गया कि यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9.5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में कितनी होगी? 60, 55, 52.5 या 50। देखिए, मैथ का क्वेश्चन पूछा गया कि 400 का 78% कितना होगा? 351, 300, 296, 303। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश का महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर
सॉरी अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया किस संग्रहालय में संरक्षित है? कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज, लुम्बिनी। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया ये सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइट आई वी रा द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मास किताब के लेखक कौन थे? अशोक चतुर्वेदी, विक्रम सूद, के शंसवन नायर, केसी वर्मा। तो इनसाइट आई वी रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मास किताब के लेखक हैं के शंसवन नायर। आंसर हो जाएगा सी आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष किए गए? 1970, 1972, 1974, 1976। तो 1972 में हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? पटना, भोपाल, जयपुर या लखनऊ? तो 2018 में नाबार्ड ने लखनऊ में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? संसद के संविधान से, उपराष्ट्रपति के चुनाव से, संसद के सदनों की अवधि से या भारत के अटॉर्नी जनरल से? भारत के संविधान का अनुच्छेद 6 ये संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। 10 क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सीरिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से संबंधित है? एटा से, इटावा से, औरैया से, फिरोजाबाद से? तो प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान ये इटावा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? तो तीसरी बौद्ध परिषद ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930, 1935, 1940, 1945? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए 17 शक्ति प्रदान की? तो 101वें संशोधन विधेयक 2014 संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए 17 शक्ति प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे क्षमता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश से संबंधित है? इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़। तो जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष क्रिस्टीना लगाड़े किस देश से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिका को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा में मटका सलेम एक कोशिका बनाने के लिए होता है, इसको क्या कहते हैं?